हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस फॉर्मेटिंग इन वर्ड तो जो एमएस वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें आप जानते हैं कि आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से आप उस पेज को सजा सकते हैं जो लेटर्स हैं उसको बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं यानी एडिट कर सकते हैं तो इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कंप्यूटर लैब में यू कैन मेक चेंजेस टू टेक्स्ट सच एज चेंजिंग द अलाइनमेंट मार्जिन द टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक आर अंडरलाइन एंड सो ऑन तो इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं इटैलिक कर सकते हैं ये सब काम आप एमएस वर्ड में या वर्ड फॉर्मेटिंग करके कर सकते हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे जो टेक्स्ट अलाइनमेंट करेंगे इस तरह से आप लेफ्ट एलाइनमेंट कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं राइट right अलाइनमेंट कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं आइए देखते हैं कुछ प्रोग्रेस चेंजिंग द एपियरेंस ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग इसको क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग कहते हैं बाय डिफॉल्ट वर्ड अलाइंस टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन इन ए न्यू डॉक्यूमेंट जब भी आप कुछ लिखते हैं एमएस वर्ड में तो हमेशा लेफ्ट ले लेता है द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द लेफ्ट आर राइट मार्जिन ऑफ ए पेज इज कॉल्ड इंडेंट इसको इंडेंट कहते हैं राइट right मार्जिन या लेफ्ट मार्जिन वाले हिस्से को स्पेस को इंडेंट कहा जाता है द वर्टिकल स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग इसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं आइए कुछ और जानते हैं वर्ड फॉर्मेटिंग के बारे में ए मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द साइड ऑफ ए पेज एक ट्रू है जो मार्जिन होता है ब्लैंक स्पेस का सब पेजिस के साइड में तो उसे हम ट्रू कहेंगे यानी ये ट्रू है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर द टू टाइप्स ऑफ हेडर एंड द फुटर ऑप्शन ये फॉल्स है यू कैन क्लिक ऑन द कॉलम ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब टू अरेंज टेक्स्ट इन टू कॉलम्स फॉल्स यू कैन ऑल्सो इंसर्ट द डेट टाइम आर पेज नंबर एज हेडर और फुटर तो जो हेडर है ऊपर वाला और फुटर जो नीचे वाला उसमें आप डेट मेंशन कर सकते हैं टाइम डाल सकते हैं पेज नंबर डाल सकते हैं ये ट्रू है ऐसा वर्ड फॉर्मेटिंग में होता है आइए कुछ और जानते हैं वर्ड फॉर्मेटिंग के बारे में विच ग्रुप ऑफ द होम टैब इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट तो कौन सा होम टैब यूज होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए पैराग्राफ जो पैराग्राफ टेब है ये यूज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इसके लिए देखिए बी वाला है बी वाला सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट द वर्टिकल डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट तो वर्टिकल के लिए कॉलम कॉलम को चूज करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड एज हेडर आर फुटर ऑन ए पेज तो इसमें डेट भी होता है टाइम भी होता है पेज नंबर भी होता है यानी ये सारे के सारे आंसर सही हैं, ऑल ऑफ दीज इसको हेडर या फुटर में यूज कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सोस टेक्स्ट आर एंड इमेज एज ए फेंट इंप्रिंट बिहाइंड द टेक्सट ऑफ एवरी पेज इन ए डॉक्यूमेंट तो वाटरमार्क होता है वाटरमार्क हम इंसर्ट कर सकते हैं इस चित्र को ध्यान से देखिए इसमें देखिए टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इसमें पैंग्विन वाटरमार्क के रूप में पैंग्विन है तो पैंग्विन इसमें वाटरमार्क के रूप में है इसी को वाटरमार्क कहा जाता है अब हम आते हैं अगले पेज पे पेज नंबर फोर्टी टू पे ईच टाइम यू प्रेस टैब द कर्सर जंप्स फॉरवर्ड बाई जीरो फाइव इंच तो जब भी आप कर्सर को टैप से फॉरवर्ड करेंगे तो ये 0.5 इंच आगे बढ़ जाएगा ए मार्जिन इज ए ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द साइड ऑफ ए पेज इसको मार्जिन आप लिखेंगे ए कॉलम इज ए वर्टिकल डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट जो कॉलम होता है वो वर्टिकल डिस्प्ले टेक्स्ट का यानी जो लिखते हैं वो करता है ए हेडर इज़ टेक्स्ट आर इमेज दैट एट द टॉप इमेज ऑफ ए पेज तो पेज के ऊपर वाले को हेडर कहते हैं और नीचे वाले को फुटर कहते हैं ए पेज ब्रेक ब्रेक द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज और जब हम प्रेस पेज ब्रेक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट अगले पेज पे चला जाता है इसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं इन सब क्वेश्चन आंसर को आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिखेंगे तो इस चैप्टर में आप जाने एडवांस फॉर्मेटिंग इन वर्ड कि हम जब वर्ड में कोई चीज टाइप करेंगे कैसे उसे बोल्ड करेंगे कैसे इटैलिक करेंगे कैसे उसे अंडरलाइन करेंगे इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स इन सब चीजों को आप वीडियो की सहायता से लिखेंगे हैप्पी लर्निंग